अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आदा मेरा नाम दुर्गा आप लोग का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाले हजरत आदम की स्टोरी का फाइनल पार्ट है

बल्कि इसको एक घिननी हरकत करार दिया क्या तक आने वाले लोग जो इस गुनाह के मुरतकब होंगे उनका कुछ गुनाह काबिल के हिसाब में डाला जाएगा हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल ने अपनी बीवी को साथ लिया और दूर दराज नर्म जमीन के पास जाकर रिहायश पजीर हो गया और आदम अम के सामने तक न हुआ आदम अम पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रह रहे थे ये उनसे बहुत दूर जा बसा था इस तरह काबिल का आदम अलैहिस्सलाम से رابطہ बिल्कुल खत्म हो गया और उससे एक नई नस्ल की इब्तिदा हुई फहाशी और उरियानी को उनके हां उروج हासिल था इबादत ये लोग अगरचे अल्लाही की करते थे लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ बेहयाई के दिलदादा थे तकवा की किल्लत अहकाम इलाही की نافرمانی और फहाशी का फरोغ उनके शब रोज का मामूल था इसके बाद लोग दो समूहों में तकसीम हो गए शरीर और बुरे लोग काबिल के साथ मिल गए और आदम के दीगर बेटे और नेक लोग आदम के साथ मिल गए आदम अलैहिस्सलाम 960 साल जिंदा रहे इनकी कुल उम्र तो एक हजार साल थी लेकिन 40 साल कम कर दी गई सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह बयान करते हैं अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा इस तरह क्यामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गई फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अम के सामने पेश किया उन्होंने पूछा या अल्लाह ये कौन है अल्लाह ने फरमाया ये तेरी औलाद है इनमें से एक ही पेशानी की चमक आदम अलहलाम को बहुत अच्छी लगी उन्होंने पूछा या अल्लाह ये कौन है जवाब मिला ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं, इनका नाम दाऊद है पूछा इनकी उम्र कितनी है फरमाया साठ साल आदम सलाम कहने लगे या अल्लाह चालीस साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है जब आदम सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आया तो वो कहने लगे मेरी उम्र में तो अभी चालीस साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र नौ सौ साठ साल थी अंबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा क्या आपको याद नहीं आपने अपनी उम्र के चालीस साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दिए थे ने फरमाया चूंकि आदम ने इनकार किया तो उनकी औलाद भी इनकार की आदि है आदम खुद भूल गए उनकी औलाद भी भूलती है आदम ने खता की उनकी औलाद भी खता करती है हाबील के कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने आदम और तब्वासलाम को इसका नेमुल बदल अदा किया इसका नाम उन्होंने शीश रखा शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा हाबील के कत्ल पर आदम और हब्वाम दोनों बहुत गमगीन हुए इसलिए अल्लाह ने बदले में उन्हें शीश अता फरमाए सदना अबू जरगारी रजी अल्लाह से मरवी एक सही हदीस में है की रसूल ने फरमायाल् ने एक ने चार शहीफ़े नाजिल फरमाए उनमें से पचास सहीफे शीशलाम पर नाजिल हुए इन सहीफों में ऐसे कवानी उसूल और जाबित थे जिनसे इंसानियत की जिंदगी मुनजम होती है शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का तमाम इल्म वो हासिल न कर सके इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने बिल मुशाफहा अल्लाह ताला से इल्म हासिल किया था और बहुत सी अशिया का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें सिखा दिया था इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए लोगों ने उनसे मुख्तलिफ मुख्तफ़ल फनून और पेशे सीखे उन्हें शहरों में रहने-सहने के बारे में तालीम दी दिन रात के हिसाब से उन्हें आगाह किया और उन्हें बताया कि किन अवकात में वो अल्लाह की इबादत करें और इबादत के तरीके उन्हें सिखाए अहादीस में इसकी वजाहत मिलती है इमाम अहमद रहमत बयान करते हैं की अबू जमा कहते हैं की उन्होंने मदीने में एक शेख को लोगों से कलाम करते देखा तो उनके मुताले पूछा ये कौन शख्स है लोगों ने बताया कि ये उबई बिन काब रजी अल्लाह अनहु है बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है तमाम मुसलमानों से बढ़कर कुरान और उसकी तफसीर के आलिम है अबू जमा फरमाते हैं कि उबई बिन काब रजी अल्लाह अनहो उस वक्त ये वाक बयान कर रहे थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है जन्नत के फल दुनियावी फलों जैसे ही होते हैं सेब अनार अंगूर ये सब जन्नत में मौजूद थे जन्नत के और दुनिया के फलों में फर्क ये है कि दुनियावी फल बदबूदार हो जाते हैं जबकि जन्नती फल कभी बदबूदार नहीं होते इसी तरह दुनियावी फलों का जायका आर्जी होता है जबकि जन्नती फलों का जायका हमेशा बरकरार रहता है इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो जन्नत के फल खाएं। चुनाचे उनके बेटे तलाश में निकल गए उन्होंने अपने साथ कुल्हाड़े कुदाले और टोकरियां ले ली रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले उनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू वगैरह थी उन्होंने पूछा आदम के बेटो किस चीज की तलाश में हो कहां जा रहे हो उन्होंने जवाब में कहा हमारे वालिद मरीज हैं उन्हें जन्नत के फलों की ख्वाहिश है फरिश्ते उनके सामने इंसानी शक्ल में आए थे उनकी बात सुनकर बोले वापस जाओ तुम्हारे वालिद फौत होने के करीब हैं अब उनमें इतनी ताकत नहीं रही कि फल खा सकें जब फरिश्ते आदम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया वो बुलंद आवाज से आदम अलैहिस्सलाम को पुकारने लगी उनके साथ चिमट गई आदम अलैहिस्सलाम बोले मुझसे अलग हो जाओ पहले भी मुझे तुम्हारी वजह से मुसीबत पहुंची थी मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान से हट जाओ फिर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की उन्हें गुस्ल दिया कफन पहनाया खुशबू लगाई आपकी कब्र खोदी फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की उसके बाद उन्हें कब्र में उतारा फिर ऊपर मिट्टी डाल दी और बोले आदम के बेटो तुम्हारे लिए यही तरीका है उस वक्त तक लोग कफन दफन के अहकाम से वाकिफ नहीं थे उन्हें इल्म न था कि काबिल ने अपने भाई को कैसे दफन किया था इसलिए फरिश्तों को भेजा गया ताकि तदफीन का तरीका बता दें। तो इस तरह इंसान को दफन करने का तरीका मालूम हुआ जो फरिश्ते लेकर आए थे आदम असलाम ने अपनी 960 सौ साल की मुकम्मल जिंदगी में सिवाय उस दरख्त का फल खाने के और कोई खतर नहीं की आपकी वफात के एक साल बाद हवा अलम भी वफात पा गई ये था हमारे बाप सैदिना आदम अलम का उसवा और सीरत तयबा का हाल तो इसमें कितने अच्छे तरीके से समझाया आदम सलाम के बारे में कि किस तरह धरती पे आए किस तरीके से उन्हें जन्नत से निकाला कि उनकी गलती की वजह से उन्होंने फल खाया फल खाने की वजह से उन्हें जन्नत से धरती पे भेजा गया फिर किस वजह से उनके औलादे पैदा हुए फिर उनके इस तरह से लोगों को दफनाया गया और उनके मतलब जो पहली औलाद हुई थी किस तरीके से कत्ल किया गया सबसे पहला कत्ल उनकी पहली औलाद ने ही किया था काबिल ने और उस वैसे ही लोगों को दफन किया जाता तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में